हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं वीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी कि 26 दिसंबर की कौन सी हमारी इंट्राडे वॉच लिस्ट होंगी, कौन से स्टॉक उसमें बाइंग में होंगे, कौन से स्टॉक उसमें सेलिंग में होंगे और क्या है कि लॉजिक के साथ देखेंगे। सो आपको आइडिया है कि किसमें आपको बाइंग करनी है या किसमें आपको सेलिंग करनी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है रिलायंस। अभी रिलायंस क्यों है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल से आपको इसमें अप ट्रेंड दिख रहा है, बाद में इसमें इधर पहला टॉप बना, इधर दूसरा टॉप। तो 1 आवर्स के चार्ट पे जब आपको 1 आवर्स पे शिफ्ट करोगे तो देख लेते हैं, 1 आवर्स के चार्ट पे आपको इसमें डबल टॉप जैसा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया, प्रॉपर डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया, तो आपको इसमें क्या है कि डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं इसको रिलायंस को क्या है कि सेल्स के लिए ले जा रहा हूँ कल के लिए। अगर इसमें मेरे को कोई ऐसी सिग्नल मिला, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सेल साइड के लिए मिली, तो मैं इसमें जरूर सेल करूंगा। तो जो पहला स्टॉक था वो रिलायंस था। नॉर्मल बात है, आपको इसमें बियर्स व्यू दिख रहा है और एक डबल टॉप जैसे पैटर्न बना दिए 1 आवर्स के चार्ट पे। तो इसको आप वहां लेके जाओ सेल साइड के लिए। अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें सेल कर सकते हो। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। तो दूसरा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज को मैंने आगे भी सजेस्ट किया था, लेकिन उस दिन इसने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं किया और ऊपर चला गया। तो इस बार भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसको लेके जाऊंगा। अगर मेरे को ये क्या है कि अपने ये जो लाइन इसके नीचे जाता हुआ दिखे, मतलब जो ये क्या है कि एक चैनल है उसको ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखे, तो इसमें हम सेल साइड आ सके। और नॉर्मली देखो आपको एक बियर्स व्यू भी दिख रहा है, ये 2 कैंडल और इसका वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में आपको इसमें ब्रेकआउट देके नीचे जाता हुआ दिखे। तो कल या शायद परसों इसमें ब्रेकआउट अगर हो जाता है तब आप इसमें सेल साइड आ सकते हो। प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसमें सेल साइड आ सकते हो। तो जो हमारा अदानी एंटरप्राइज था वो सेल साइड के लिए नॉर्मल है कि एक चैनल में अभी स्टॉक फंसा हुआ है, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करके नीचे की साइड चला जाता है तब हम इसमें सेल साइड आएंगे। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। तो इसके बाद हमारा स्टॉक है वो है कैडिला हेल्थ केयर। अभी कैडिला हेल्थ केयर मैंने क्यों लिया है, तो नॉर्मल सी बात है, कैडिला हेल्थ केयर हाल फिलहाल हमारे सप्लाई जोन से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। और नीचे जाता हुआ तो आपको इधर क्या है कि एक पियर्सिंग पैटर्न भी दिख रही है, बाद में उसका कंफर्मेशन भी हो गया। तो जो कैडिला हेल्थ केयर है उसमें आपको कल शायद इसमें आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो अगर इसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तब आप इसमें सेल साइड आ सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, कैडिला हेल्थ केयर हमारे क्या है सेल लिस्ट में, क्यों है हमारे सप्लाई जोन से ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या है कि सेल साइड लेके जा रहे हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अभी ये स्टॉक क्यों है वो बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल बात है, इसमें आपको एक हैंगिंग मैन दिख रहा है, बाद में इसकी कंफर्मेशन रेड कलर की कैंडल भी आ चुकी है। तो इसमें मैं क्या है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट में बना के रखो, अगर आपको ये सेल साइड अपॉर्चुनिटी देता है, कल वॉल्यूम भी आ जाए शायद ऐसा भी हो, अगर सेल साइड अपॉर्चुनिटी देता है HDFC बैंक तब आप इसको लेके जा सकते हो सेल साइड के लिए। तो अपनी ये वॉच लिस्ट में लगा के रखो, HDFC बैंक अगर सेल साइड अपॉर्चुनिटी देता है तब आप इसमें सेल कर सकते हो। तो नॉर्मल बात है, हमारा जो HDFC बैंक है उसमें हैंगिंग मैन मिला और इसके कंफर्मेशन भी मिल गई है, तो इसीलिए मैं इसको सेल साइड लेके जा रहा हूँ। तो अब हम इसके बाद का स्टॉक देख ले। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है TCS। तो TCS में आपको हाल फिलहाल एक अपसाइड देखने को मिली हुई है, बाद में इधर आपको एक पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिले, पियर्सिंग पैटर्न प्रॉपर पियर्सिंग पैटर्न है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन भी बाकी है। तो हो सकता है कल ये आपको कंफर्म करके नीचे आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। और देखो ये रिट्रेस भी करेगा, और मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये अभी ये रिट्रेस करेगा, बाद में फिर से अपसाइड देगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिन में, कल क्या होता है वो देखते हैं। तो जो हमारा TCS उसको आप सेल साइड लेके जाओ, अगर सेल साइड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसमें सेल कर सकते हो। बाद में जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। जो बाद में हमारा स्टॉक है वो है M&M। अभी M&M मेरी बाय लिस्ट में, अभी बाय लिस्ट में क्यों है, तो नॉर्मल बात है कि 1 आवर्स पे आपको एक डबल बॉटम कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, बाद में अभी इधर देखे तो आपको एक फ्लैग जैसी पैटर्न दिख रही है, जो इसको बुलिश फ्लैग हम बोलते हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ।
तो हो सकता है कल इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और आपको एक अपमूव देखने को मिले। तो नॉर्मल बात है, इसमें मेरे को एक बुलिश फ्लैग दिख रहा है 1 आवर्स के चार्ट पे, इसीलिए मैं इसको बाय साइड लेके जा रहा हूँ। अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया तो आपको एक इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, अगर बाय साइड कोई सिग्नल मिलता है तब आप इसमें बाय ले जा सकते हो। बाद में इसके बाद का जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो इंडसइंड बैंक है। इसमें आप देखो, मैंने बोला था आगे भी कि इसमें आपको एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है और आपको इसमें एक ब्रेकआउट मिला, बाद में सडनली अप मूव मिला, बाद में कंसोलिडेट किया और थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन अगर आपने इधर से आपने कैचअप किया होता इस ट्रेड को तो आपको एक अच्छा सा बेनिफिट हो चुका होता। तो इसको मैं और आगे लेकर जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इधर ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको मुंह और ज्यादा दे सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो मैं इसको पर्सनली अपनी वॉच लिस्ट में लेके जाऊंगा बाय साइड के लिए। अगर मेरे को इसमें बाय साइड सिग्नल मिलता है तब मैं इसमें बाय करूंगा। तो ये थी हमारी वॉच लिस्ट कल के लिए। और मेन बात, जो भी स्टॉक बाय वाले हैं वो बाय में अपॉर्चुनिटी दे तब आपको बाय करने, सेल वाले सेल में अपॉर्चुनिटी दे तब आपको सेल करने। ऐसा ही नहीं होता बाय वाले बाय लेके चले गए, सेल वाले सेल लेके निकल गए आप, तो ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ता है, अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है बाय साइड या सेल साइड का, कोई जो भी आप यूज कर रहे हो स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन जो भी यूज करो, अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल मिलता है तब आप इसमें बाय या सेल कर सकते हो। तो ये थी हमारी वो से छोटी सी वॉच लिस्ट कल के लिए। एक बार देख लेते कौन कौन से स्टॉक थे। रिलायंस सेलिंग के लिए थे, बाद में अदानी एंटरप्राइज सेलिंग के लिए, केडिला हेल्थ केयर सेलिंग के लिए, बाद में HDFC बैंक सेलिंग के लिए, TCS वो भी सेलिंग के लिए, M&M वो बाय के लिए था, इंडस्ट्रियल बैंक वो भी बाइंग के लिए था। तो देखो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तो आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। और पहले बोल दे रहा हूँ, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कोई ट्रेड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।